गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है टेंसेस, जिसमें हम इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेंसेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस? आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये तीन टेंसेस हो गए हमारे। इन्हीं के बेसिस के आधार पर हम पूरी इंग्लिश ग्रामर के ट्रांसलेशन का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस, जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस के फोर पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो एक चीज समझ लें कि जो बेस है ट्रांसलेशन की, जो बेस कैसा है, सबसे पहली चीज़ होती है आइडेंटिटी। अगर आपको किसी चीज़ की पहचान नहीं पता है तो आप नहीं बता सकते हैं कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो सबसे जरूरी चीज़ क्या है? आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो पहचान आ जाती है ता, ती, ते, है, ठीक है, यानी कि ता है, ती है, ते है। इसके बाद आती बात हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए ध्यान रखना है प्रेजेंट टेंस में, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है जब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी कि इफ सेंटेंस इज अफर्मेटिव देन क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो डू एड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला आता है राम बाजार जाता है, ठीक है, सिंपल सा लग रहा है कि जो राम है वो सिंगुलर है, बाजार जाता है, तो राम ये जाना जो हो गया ये वर्ब हो गया, इसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस लगता था ना, तो गोज की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसमें एस लगा दिया तो गोज और गो के साथ ऑलवेज टू का यूज करते हैं, तो गो टू मारते, ओके, गॉट इट। देन दूसरे में आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर का अगर सबसे सिंपल ट्रांसलेशन कोई होता है तो वो कॉन्टिन्यूअस के ही होते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल सी आइडेंटिटी होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी फिक्स होती है, इज एम आर, यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगा तो आपका इज एम ओनली आई के साथ और आर प्लूरल नाउन के साथ। देन एक एग्जांपल ले सकते हैं, वह बाजार जाता है तो क्या आ जाएगा, ही इज गोइंग टू मार्केट। इसके बाद तीसरे टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आइडेंटिटी क्या आती है इसकी, बेटा सबसे पहले चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, और जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है या आप उसको भूल जाते हैं, आपको केवल चुका है, चुकी है याद रहता है। जब भी लिया है, दिया है इत्यादि ये सब जाते हैं तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये कौन सा टेंस है, उसमें कभी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, कभी कोई लगा देते हैं। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि इसमें लिया है वाले भी इसी में आते हैं, यानी कि या के साथ अगर है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, अगर या के साथ में था आएगा तो पास्ट में जाएगा, जब आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सिंपल सी है, हैज या हैव, सेम प्रोसेस सिंगुलर के साथ में हैज और प्लूरल के साथ में है। एक एग्जांपल देते हैं, तुम खाना खा चुके हो, तो तुम की यू, हमने देखा यू यू है उसको हम प्लूरल मानते हैं। देन यू के साथ हैव आएगा, यू हैव ईटन, क्यों लगा है, क्योंकि परफेक्ट का कोई भी टेंस होगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर परफेक्ट का कोई भी टेंस है वो प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो या पास्ट का हो, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, ये रिमार्केबल वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, डन। आगे आते हैं फोर्थ है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। सबसे पहली पहचान आती है इसकी क्या है, तो सेम पहचान है, रहा है, रही है, कॉन्टिन्यूअस के तरीके से, प्लस इसके साथ में जो है एडिशनल चीज आ गई वो होती है टाइम, यानी कि रहा रही तो आपका होगा ही कॉन्टिन्यूअस के जैसे, लेकिन इसमें टाइम एडिशन होता है, यानी कि टाइम कन्फर्म जरूर दिया होगा, अगर टाइम नहीं दिया होगा तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में बन जाएगा, अगर रहा रही के साथ प्लस टाइम भी दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में आता हैज बीन और या हैव बीन, ठीक है, सेम प्रोसेस सिंगुलर के साथ में हैज बीन और प्लूरल के साथ में हैव बीन। एक एग्जांपल देखते हैं, तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो, क्या हो जाएगा, यू हैव बीन प्लेइंग। अच्छा टाइम से मैंने ये बताना भूल गया, देखो कि टाइम दो तरीके का हो सकता है, या तो वो डेफिनेट टाइम होगा
या फिर वो इनडेफिनिट टाइम होगा। तो डेफिनिट टाइम यानी कि निश्चित टाइम के लिए हम सिंस का यूज कर सकते हैं, और जब भी इनडेफिनिट टाइम होगा तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। ओके, ये चीज ध्यान रखना। तो हमने देखा यहाँ तुम सुबह से खेल रहे हो, सुबह से, सुबह क्या है, डेफिनिट टाइम है, निश्चित टाइम है। यहाँ पर क्या होगा, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ओके, ये इतना हो गया। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, पास्ट के सारे और फ्यूचर के, ठीक है।